हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, देखिए आज बहुत दिनों के बाद एक अपनी हिमालयन के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए। जैसा कि गाइज, मैं इस हिमालयन से बहुत सारी टूरिंग करता रहता हूँ इधर उधर, ये सब इस बाइक से किया है। टूरिंग में आप सभी को बहुत ही जरूरत पड़ती है आपको लगेज की, अपने लगेज को कैरी करने की बहुत जरूरत पड़ती है। आपने 8 दिन का प्लान किया, 10 दिन का प्लान किया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है आपका लगेज। अभी यहाँ पे गर्मी है, वहां पे जाएंगे सर्दी होगी, जैकेट कैरी करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कैरी करनी पड़ती है। तो इसी के रिलेटेड मैंने हिमालयन के लिए कुछ लगेज कैरिंग करने का सिस्टम मंगाया है। लगेज कैरी करने के लिए बहुत सारे पहले से ही चीजें हैं, जैसे कि मेरे पास में पैनियर्स हैं इसके, वो हार्ड लगेज केस में आ जाते हैं, सॉफ्ट में सैडल बैग्स भी आ जाती हैं, वो भी है मेरे पास में। साथ में मेरे पास में है यहाँ के लिए टॉप बॉक्स। अब गाइज, दिक्कत क्या आती है, अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं कहीं पे या पिलियन के साथ कर रहे हैं, सोलो में तो आप टॉप बॉक्स लगा लेते हैं। टॉप बॉक्स के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारी राइड्स पे फेस किए हैं, टॉप बॉक्स हिलता बहुत है, बिल्कुल ऊपर माउंट होता है यहाँ पे, जरा सा उसमें स्पेस होता है, उसके बाद में उसको ज़्यादा सा माउंट करने का होता है, टॉप बॉक्स का भी वजन होता है, वो हिलता बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये मंगाया है। क्या है ये देख लीजिए, स्क्रीन पे आ रहा है आपके क्या मंगाया है मैंने। ये इसको मैं इसके ऊपर लगाने वाला हूँ, ये है बैक रेक के लिए, माउंट करने के लिए इस पर कोई भी बैग वगैरह रख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई भी छोटी स्पेस है इस जगह पे, इस स्पेस को बड़ा करने के लिए मैंने इसको मंगाया है। तो अभी इसको मैं फिट करूंगा, इसमें दिखाऊंगा कि कितना ये मजबूत है, कैसा क्या है। हालांकि मेरे पास इसके पैनियर्स हैं, तो पैनियर्स के बाद में यहाँ पे मैं कोई भी बैग, कपड़े वाली बैग जो होती है उसको सॉफ्ट लगेज कैरी नहीं कर सकता हूँ, कैरी करता तो इधर उधर भगता है वो। इसके बाद में मैं कोई भी उस पर कैरी कर सकूँगा, और साथ में पिलियन जो हमारा बैठेगा उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें टॉप बॉक्स से वो पिलियन के बैक में भी वो लगा करता है। सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और दिखाता हूँ। तो बाइक है मेरे पास, अनबॉक्सिंग का टूल सबसे बढ़िया ये है, इससे अच्छा कोई टूल हो नहीं सकता। इसको मैं इधर से खोलता हूँ, भी दिखा देता हूँ अच्छे से, सब कहीं से ये पैक है। तो इसको मैं इस साइड से यहाँ से खोल लेता हूँ, देखता हूँ क्या यहीं से खोलने के लिए है। जी हाँ, प्राइस पड़ा है 990 रुपये, इस रैक को मैंने 990 रुपये का मंगाया है। और अब इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ, टेपिंग तो अच्छे से है, देखते हैं क्या स्क्रू वगैरह हैं इसके अंदर। हाँ शायद होने चाहिए, बिल्कुल होंगे। अभी मैं खोल के इसको बबल रैप को हटाता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि हमारा रैक है कैसा। सो गाइस, फाइनली हमने अपनी प्लेट को अनरैप कर लिया है। इसमें क्या क्या मिला है बॉक्स कंटेंट वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरा ये मेन कंटेंट काफ़ी अच्छा है यार, ये बहुत ही मजबूत है, लग रहा है एकदम मेटल का है। साथ में हमें मिले हैं यहाँ पे ये 4 बोल्ट LN वाले बोल्ट हैं, और इसमें वॉशर लगे हुए हैं, साथ में ये बीच में गैप ख़त्म करने के लिए दिया हुआ है, और साथ में ये वॉशर दिए हुए हैं, मतलब ऐसे नहीं कि ढीले होकर अपने आप ये निकल जाए उस टाइप से। 2 पत्तियाँ ये मिली हैं हमें, तो इनको कैसे लगाना है ये मैं चेक करता हूँ, फिर आप सभी को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस प्लेट को रखना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसको लगा देना है, ये लगेगी मेरी कुछ इस तरीके से, ये प्लेट लगने वाली है। और अभी मैं इसको फिट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ इसके ऊपर वेट रख के कितना वेट ये सह सकती है, और क्या आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट है ये नहीं है, ये सब मैं आप सभी को बताऊँगा। तो सबसे पहले इसको फ़िट कर देता हूँ, फ़िट कैसे करना है ये मैं देखता हूँ और आपको भी एक बार दिखाता हूँ। तो गाइज़ देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हमारा फ़िट हुआ है, और यहाँ पर एलेंकी बोल्ट लगेंगे, और नीचे स्पैनर से आप इसको टाइट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसका फिटमेंट आएगा, देख लीजिए एक बार आप सभी लोग कुछ इस तरीके से। और जो बीच में वॉशर आए थे वो बड़े से गोल गोल से थे, वो यहाँ पे लगे हैं बोल्ट, इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है। अभी इसको करते हैं टाइट और फिर देखते हैं कि कैसा क्या हमारा रहता है ये सिस्टम। मजबूत तो लग रहा है काफ़ी, और ये बड़ा कितना है देख लो, 2 हाथ आ जाएंगे आराम से इस पर, कोई भी बैग मतलब रक्षक बैग वगैरह आराम से इस पर माउंट आप कर सकते हैं। और ये कुछ हमारी हिमालयन है मॉडिफिकेशन, इस पर काफ़ी सारे कर रखे हैं हम, अगर इसका मॉडिफिकेशन का कोई वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस पर देखो लाइट भी बहुत ज़बरदस्त लगाई है हमने, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये लगा दिया है। अभी इसको टाइट करते हैं फिर इसका करते हैं ट्राई। देखिए अब इसका मैं करने वाला हूँ चेकिंग टाइम है ये कितना मज़बूत है। ये देखो इधर से ये खड़ा हो रहा है बंदा, तो ये थोड़ा सा जो है मतलब दबेगा यहाँ पे। कितना वेट है तुम्हारा? तुम्हारा 50।
50 किलो का बंदा है भाई खड़ा हो गया पीछे रैक पे, इससे ज़्यादा क्या ही बैग ला दोगे, 10 किलो की ला दोगे, 5 किलो की ला दोगे, तो यानी कुल मिला के ओके ओके है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आराम से जो है आप इस पर अपने बैग्स को माउंट कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हिमालयन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो कॉमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।